उपस्थित है एग्जाम टूर चैनल पर और आप देख रहे हैं ये आरजेडी कार्यालय है। यहाँ पे अभ्यर्थी लगातार गुहार लगा रहे हैं, इन लोगों का क्या डिमांड है इस पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं ये लोग लगातार तेजस्वी जी से कभी मिल रहे हैं, कभी लालू यादव से मिल रहे हैं, कभी नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। और यहाँ पे देखिएगा बीपीएससी टीआरई टू में सीटेट अपेयरिंग को मौका मिलना चाहिए, टीआरई वन में सीटेट अपेयरिंग को मौका मिला था तो टीआरई टू में क्यों नहीं। इन लोगों का साफ कहना है कि जस्ट अभी जो वैकेंसी समाप्त होने वाली है, जिसका ज्वाइनिंग चल रहा है, जिसका प्रशिक्षण चल रहा है, उसमें इन लोगों को मौका मिला था लेकिन इस बार मौका नहीं मिल रहा है। कहाँ से आए हैं? हम पूर्वी चंपारण। पूर्वी चंपारण, आप कहाँ से आए? दरभंगा से सर। क्या आप भी गए थे तेजस्वी यादव से मिलने मुख्यमंत्री से? हाँ, मिलने गए, आश्वस्त किए हैं कि हम लोग को मौका मिलेगा। तो आप फिर चक्कर क्यों लगा रहे हैं? चक्कर लगा रहे हैं क्योंकि जब तक नहीं बोला जाएगा शिक्षा विभाग को, जब तक नोटिफिकेशन में नहीं दर्शाया जाएगा कि सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिल गया है और पोर्टल पे हम लोग फॉर्म भरने जाएंगे तब उसमें रहेगा ही नहीं, तो कैसे हम लोग, जब तक नोटिफिकेशन शिक्षा विभाग के द्वारा जारी नहीं होगा तो हम लोग कैसे मान ले कि सीटेट अपेयरिंग वाले को मौका मिल गया है। क्या बातचीत हुई, गए तो आप क्या वहां प्रस्ताव रखे और उनके द्वारा क्या उप मुख्यमंत्री के द्वारा आश्वासन? प्रस्ताव हम लोग यही रखे हैं कि जैसे भैया तेजस्वी भैया बीपीएससी टीचर फर्स्ट में जैसे सीटेट अपेयरिंग को नोटिफिकेशन निकलने के बाद 7 दिन के बाद हम लोग को मौका मिला था, वैसे ही इस बार भी हम लोग सीटेट का नोटिफिकेशन आ गया तो हम लोग चाहते हैं जिस तरह से बीपीएससी टीचर फर्स्ट वाला जो वैकेंसी आई थी, नियमावली बनी थी, उसी तरह इस बार भी बीपीएससी टीचर सेकंड में सीटेट अपेयरिंग को मौका दिया जाए 6 to 8 में, क्योंकि 6 to 1 से 5 में उस बार बीएड को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बाहर कर दिया गया और उस बार 6 to 8 में राज्य सरकार के द्वारा कोई भी वैकेंसी नहीं लाई गई थी, लेकिन इस बार 32,000 वैकेंसी लाई गई है और 6 to 8 के लिए सीटेट पेपर सेकंड क्वालिफाई करना होता है। हम लोग अगर क्वालिफाई करेंगे तो आप लीजिएगा, आप हमें तो मौका तो बस दीजिए फॉर्म भरने के लिए। अभ्यर्थी का केवल यही कहना है कि एक बार मौका दिया जाए, चूंकि 6 to 8 की वैकेंसी इससे पहले कभी नहीं आई है, पहली बार मौका मिल रहा है, इसमें हम लोगों को केवल और केवल एग्जाम देने का मौका दिया जाए, फॉर्म भरने का। आप कहाँ से आए हैं? मैं छपरा से। क्या नाम हुआ? मेरा सुशांत कुमार पांडे नाम। क्या क्या आपका क्या डिमांड है? मेरा यही डिमांड है सीटेट अपियरिंग में शामिल, टीआरई टू को सीटेट अपियरिंग में मौका दिया जाए। आप कहाँ से आए? हम गया से। आप कहाँ से? नालंदा से। आप कहाँ से हैं? जहानाबाद से। आप कहाँ से हैं? बांका जिला से हम सर। जी सर, यहाँ अभी कार्यालय आए हैं, आरजेडी कार्यालय। आप लोग मिले किसी से? कोई बातचीत हुई? कोई आश्वासन यहाँ से भी मिला? जब उप मुख्यमंत्री आश्वस्त कर दिए कि आप लोगों को मौका दिया जाएगा तो आप लोगों को जाना चाहिए, क्या दिक्कत है? जी सर, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई है, उन्होंने भी आश्वासन दिया है, यहाँ भी हमें टाइम दिया गया है और हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जो है उनसे भी हमें पूरी उम्मीद है क्योंकि वो हमारे पूरे बिहार के शिक्षा मंत्री हैं। हमारे माननीय के पाठक जी जो हैं, माननीय सचिव माननीय, उनसे भी मिले के पाठक, उनसे मिलने का प्रयास किया जा रहा है, उनसे हमारी लेटर पहुंच चुकी है और हमारी गुहार ये सर, और कितने दिन तक और गुहार लगाए सर, थक चुके हैं, सुबह से शाम गुहार ही लगा रहे हैं बस सर, इतनी गुहार लगा चुके, हमारी बातों को सुना जाए और हमें ऐसा कोई मांग नहीं है कि हमें फेल हो जाए या ऐसा कोई मौका दिया जाए। इसमें से सारे कोई बीएड कोई डीएलएड सारे ग्रेजुएट हैं, 6 to 8 की वैकेंसी का तैयारी वन में कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए पेपर टू की तैयारी किसी ने नहीं किया, किसी ने पेपर टू का फॉर्म ही नहीं भरा, उस टाइम कोई जिक्र ही नहीं था इसकी, सबने 1 to 5 की फॉर्म भरी, सबने 1 to 5 का तैयारी किया और बीपीएससी का सिलेबस सबको पता है सर, बहुत हार्ड। आपकी जिला से? पटना ही जिला से। आप कहाँ से आए? गया। आप कहाँ से आए? पालीगंज से। आप कहाँ से आए? पटना से। हम आए सर 2004 से सर, सिपाही वाला में सब कुछ भर्ती होला, इसी दोगुरा रोड पर है जी हम लोग आ गए। देख सकते हैं जो भी अभ्यर्थी हैं, इनसे मैं बता दूं, सभी लोगों का केवल और केवल यही डिमांड है, इन लोगों का चेहरा भी देख सकते हैं और सुबह से जगते हैं, जब भी कोई वैकेंसी का मौका दे दीजिए सर, हम लोग को गुहार ही लगाते रहेंगे। अभिषेक जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल से हमारे मुखिया और उप मुखिया को अपने तरफ ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, हमारे जितने भी साथी हैं ये लोग बीएड किए हुए हैं, कुछ लोग डीएलएड किए हुए हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे घर से बच्चे हैं जो अपनी माँ का गहना बेच के, जमीन बेच के बीएड और डीएलएड किए हुए हैं, उसके बाद वो अपनी अपनी पढ़ाई छोड़ के रोड पे भटक रहे हैं, उनको आप पढ़ाई में मौका नहीं दीजिएगा, वो कैसे पार करेंगे? अपनी योग्यता बस साबित करने का मौका दीजिए, अगर ये लोग एक नंबर से भी चूक जाते हैं तो इन लोगों को बाहर निकाल दीजिएगा, आप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मोड से इनको गुजारिए डीबी में, कोई किसी को कोई दिक्कत नहीं, आप पूरे राज्य के लिए इस वैकेंसी का द्वार खोल चुके हैं, इससे भी उनको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे अभ्यर्थियों में इतनी योग्यता है कि पूरे भारत को भी आप मौका दे रहे हैं तो इसमें अपना एक सीट कंफर्म कर सकते हैं।
देख सकते हैं केवल और केवल अभ्यर्थी का यही डिमांड है कि हम लोगों को फॉर्म भरने का मौका दीजिए, एग्जाम देने का मौका दीजिए। यदि आपका फाइनल सिलेक्शन के समय मेरे पास डॉक्यूमेंट्स न रहे या कहीं से भी हम छटते हैं तो हम हमको उसमें से बाहर कर दें। तो ये क्या आप सोच रहे हैं? यदि आप अभ्यर्थी हैं, आप भी चाहते हैं इस मुहिम में शामिल होने के लिए, तो कम से कम वीडियो को इतना शेयर करें ताकि माननीय मुख्यमंत्री तक और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी तक पहुंचे और आप लोग का जो डिमांड है सीटेट अपीयरिंग को शामिल करने को लेकर उसको पूरा किया जाए। जय हिंद। जारी कर दिया और ऑफिसर एकेडमी का झंडा फिर से लहराया है। हजारों हजारों की संख्या में छात्र सफल हुए हैं, उन सभी सफल छात्रों को बधाई। लेकिन जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, बीपीएससी अलग से फेज टू लेकर के आ रही है साथियों। इस फेज टू के अंदर में लगभग 1,10,000 वैकेंसी है जिसमें बीएड करने वाले छात्र अपियर होंगे, यानी 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। और ऑफिसर एकेडमी जो बिहार की सबसे बड़ी और सफल टीम है फिर से लेकर के आ रही है नया बैच एक्सक्लूसिवली 6 to 8 के लिए, 9, 10 के लिए और 11, 12 के लिए। इस बार बैच में आपको जीएस होगा, जीएस के साथ 6 to 8 में थ्योरी भी पढ़ाया जाएगा। 9, 10 के लिए हम जीएस के साथ सब्जेक्ट का प्रैक्टिस भी टॉपिक वाइज कराएंगे और 11, 12 के विद्यार्थियों के लिए भी जीएस कंप्लीट थ्योरी के साथ साथ 11, 12 के विषय का टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कराया जाएगा, जिससे आप परीक्षा को आसानी से पास कर पाएंगे। और इस बार भी कोर्स फी पहले के मुकाबले कमी होगा और फीस होगी सिर्फ 999 रुपए। इस ऑफर का लाभ उठाएं और अपने सपनों को साकार करें, क्योंकि